मेरा नाम दिव्या रावत है और मैं चमोली गढ़वाल के कोट कंडारा गांव की रहने वाली हूँ। अभी जो हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड है वहां से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइवलीहुड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। जब ये आपदा आई थी 2013 में, उसी वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ। पूरा रिसर्च किया एक साल का, मशरूम भी उगाती गई, तो 3.5 साल हो चुके हैं मुझे इसको स्टार्ट करे हुए। इस इंडोर कल्टीवेशन में क्या है कि कमरे के अंदर की जाती खेती है, बारिश आए, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पहाड़ हो चाहे प्लेन हो। देहरादून में मथुरा वाला विलेज है, यहाँ पे हमारा मेन मशरूम का प्रोडक्शन यूनिट है। और इसके अलावा मैं चमोली गढ़वाल भी गई, वहाँ पे भी हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट है कोट कंडारा विलेज में। काफी इंस्पिरेशंस मिली हैं कि यहाँ इस काम को आप कैसे करें, स्टार्ट करें, और दिव्या हमें एक एक चीज को प्रैक्टिकली बताती है। पहले से जब वो कर सकती है तो शायद हम भी कर सकते हैं। मैंने दिव्या के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा और मंडी में भी काफी नाम सुना था। उसके बाद मैं दिव्या से आके मिला तो दिव्या ने मेरे को मशरूम कल्टीवेशन के बारे में समझाया, तो अब मैं इनके साथ ही मशरूम कल्टीवेशन करता हूँ और मैं इससे काफी इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टीच देम, आई एक्चुअली वॉन्ट टू इंस्पायर देम, क्योंकि वो आए, सीखे तो सीखे, इंस्पायर होके जाए। वो इंस्पायर होंगे तो मशरूम लगाएंगे, और जब वो मशरूम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो मशरूम कल्टीवेशन है उनका वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनेगा। सम्मानित मुझे काफी सारी जगह से किया गया है, तो आई फील गुड। तो वही मेरा एक सपना है, मशरूम को मैं टूल यूज कर रही हूँ जस्ट टू स्टॉप माइग्रेशन इन आर उत्तराखंड।